ने काम किया है वो देश के सामने रखे, करप्शन फ्री गवर्नेंस देने का, और पूरा देश इसे देख रहा है। मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से सरकार में विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी बात प्लीज समय का ध्यान रखो, नहीं तो मुझे बीच में आपके माइक बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ये अविश्वास प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया है अपने पार्टी की तरफ से और अपने चंद्रबाबू नायडू जी की तरफ से, जिन्होंने भी इस समर्थन में खड़े हुए उन सबको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस देने पड़ेंगे मैडम, क्योंकि बीच में हमारे हरिबाबू जी भी बोल चुके हैं और गृह मंत्री भी बोल चुके हैं, तो थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे पहले मैडम, रेलवे जोन का हिस्सा आता है, रेलवे जोन विशाखापट्टनम में देने का काम देने का एक्ट में दिया था मैडम, 4 साल हो गए अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया। अभी हमारे हरिबाबू जी आते हैं विशाखापट्टनम से, वो दिल्ली का कम और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी विशाखापट्टनम का ज़्यादा सुनते तो उनको पता चलता कि वहाँ का लोगों का राय क्या है। 4 साल हो गए, पिछले 2002 में जब वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री थे तब 7 जोन उन्होंने दिए थे, इस देश में 7 नए जोन बनाए थे। आज एक और नया जोन बनाने की बात हो रही है, जहां विशाखापट्टनम की बात करते हैं, जहां पे 250 एकड़ अभी रेलवे का लैंड अभी वहां पे उपस्थित है। राममोहन जी 1 मिनट, 8 बजे तक हमने कहा था, आप सबकी सहमति से 1 घंटा और बढ़ा देते हैं। बढ़ाओ मैम, जब तक डिस्कशन खत्म नहीं होता तब तक बढ़ाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, कई समय सीमा तो रहती है मैडम, हमने इसी उद्देश्य के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया है ताकि इस पे पूरी तरह से चर्चा हो। अब इस पे पूरी तरह कैसे हो रही है, आप अपनी बात कहो। चलिए मैडम, अब विशाखापट्टनम की बात हो रही है, जहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे पोर्ट्स हैं, जहाँ पे नालको, एनएमडीसी, एचपीसीएल, एनटीपीसी है, वाइजैक स्टील प्लांट है, डीजल लोको शेड है, इलेक्ट्रिक लोको शेड है, इतने सारे चीजें हैं वहाँ पे जो सहायता ये जोन एस्टेब्लिश करने के लिए है, फिर भी अभी तक निर्णय नहीं लिया। 4 साल हो गए, हम यही सवाल पूछते आ रहे, फिर भी एक टूटे रिकॉर्ड की तरह, जब वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी जैसे बोलते हैं एक टूटे रिकॉर्ड की तरह, ओ चंदमामा, ओ चंदमामा, ओ चंदमामा, कोई भी मंत्री यहां पे बोले वही बात बार-बार दोहराया जाता है। आज तक जो साल 1 में 2014 में जो बोली गई है उससे अभी तक एक भी चीज नहीं बदला है। रेलवे जोन का एक ऐसे ही रह गया मैडम, तब से अभी तक एक कारण देखे ऐसे ही छोड़ दिया है। अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात कर रहे थे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का प्रस्ताव क्यों आया, क्योंकि जब आंध्रा का विभाजन जब हो रहा था तब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सोचा इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना है। तब किसने मांगा, तब वेंकैया नायडू जी ने मांगा, तब अरुण जेटली जी जब राज्यसभा में बैठे थे उन्होंने बोला कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस 5 साल के लिए नहीं 10 साल के लिए देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के उनके मैनिफेस्टो में भी दिया हुआ है कि 10 साल तक देना चाहिए। चलिए आप लोग तो आ गए अभी सरकार में, सरकार के आने के बाद पोलावरम में जो 7 मंडल है, जिस तरह से आपने एक नया एक्ट लेके आके नया चेंज कैसे जिस तरह से अमेंडमेंट किया उसी तरह स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का अमेंडमेंट क्यों नहीं किया आपने? आज आप बोलते हो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक्ट में नहीं है, जब सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपका है, तो क्यों नहीं किया ऐसे? अब 4 साल बाद एक बोलते हो, 2 साल बाद बोलते हो असिस्टेंस देंगे, 2 साल बाद बोलते हो इतने पैसे मिलेंगे, 4 साल बाद बोलते हो एसपीबी बनाओ ऐसे देंगे। जब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस 2017 में आपने नाम बंद कर दिया और उत्तर पूर्वी राज्यों को जिस तरह से आप राशि बढ़ा रहे हो उसी तरह हमें क्यों नहीं बढ़ाते, हमें अलग से क्यों देख रहे हो? जब उनका भी नेगेटिव डेफिसिट बजट स्टेट है, हमारा भी नेगेटिव डेफिसिट बजट स्टेट है, तो हमें इस तरह से दूसरी तरह से क्यों देखा जा रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूं। और ऐसी बहुत सारे चीजें हमारे एक्ट में दिए हुए जिनका अभी एक पहले गृह मंत्री जी जो स्टेटमेंट दे चुके हैं उसके बारे में बोलने से पहले मैं गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से सीधा सीधा एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। 4 साल हो गए एक्ट को बनाए हुए और ये एक्ट इसी सदन में बना है, इन सबके सामने बना है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार उसका इंप्लीमेंटेशन करे। अब केंद्र सरकार उससे पीछे हट रही है, 29 बार हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं कि इसमें ये करो ये करो ये करो, जबकि जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि ये 4 साल में गृह मंत्री जो नोडल मिनिस्टर है और प्रधानमंत्री जिनके ये जिम्मेदारी बनती है, क्या कभी भी
एक बार ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट के लिए एक भी रिव्यू मीटिंग रखी है? ये मैं पूछना चाहता हूं, आज तक नहीं रखी है। अगर रखी तो उन सबको आज सच क्या है वो सब पता चलता, क्योंकि जो गृह मंत्री जी ने यहाँ पे उनके भाषण में जो बोला है वो सारे चीजें गलत थे। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए गलत जवाब देते, रेलवे जोन के लिए गलत जवाब देते, जो नेगेटिव डेफिसिट बजट के लिए जो पैसा मिलना चाहिए उसके लिए गलत जवाब देते, रेवेन्यू डेफिसिट बजट के लिए कैग ने निर्धारित किया था कि 16,000 करोड़ मिलने चाहिए और कितने दे रहे, 4,000 करोड़, तो बाकी 12,000 करोड़ का क्या होगा, उसका समाधान नहीं। इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, एक्ट के तहत 11 इंस्टीट्यूशंस मिलने चाहिए आंध्र प्रदेश को और 8 मिले अभी तक। वो 8 भी किस लिए मिले, हमने हमारे किसानों ने भूमि त्याग दिया है, भूमि उन्होंने सोचा कि अगर हम भूमि देंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा, कुछ नया इंस्टीट्यूशन आएगा, उसके लिए हमें कितने चाहिए, 11,000 करोड़ चाहिए जब ये 8 इंस्टीट्यूशन बनने के लिए, पर कितने दिए, 6,000 करोड़, कितने हुआ, 5%। अगर इसी तरह 5% 4 साल में देंगे तो 100% कब होगा, 80 साल में। ये सब 80 साल में बनेगा तो कौन देखेगा, कौन बच्चा ग्रेजुएट करेगा उसमें से। एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, बीजेपी का हेडक्वार्टर जो 5 किलोमीटर यहां से दूर है उसको आपने 1.5 साल में बनाया, 70 कमरे का ऑफिस बनाया आपने, 7 स्टोरी बिल्डिंग, 3 ब्लॉक, डिजिटल लाइब्रेरी और सारे एकदम इतने नए फैसिलिटीज के साथ 1.5 साल में बनाया। तो हमारे यहाँ पे एक IIT, एक एम्स, एक आईसर, वो आप 4 साल में नहीं बना सकते, इसका समाधान मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। और उसी तरह मैडम अभी शुरू किया, मैडम थोड़ा टाइम दे दो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का ही मैडम 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक रिपोर्ट मैं पढ़ना चाहता हूं मैडम, क्योंकि उन्होंने गलत कोट मिसलीड किया मैडम हरिबाबू जी ने। उन्होंने बोला स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में टैक्स इंसेंटिव्स नहीं है, मैं अभी उसका ही पढ़ना चाहता हूं। न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी एंड अदर कंसेशंस फॉर द स्टेट ऑफ उत्तरांचल एंड द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द विजिट टू उत्तरांचल ऑन 29th of March 2002 हैड मेड एन अनाउंसमेंट दैट टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज concessions to attract investments in the industrial sector will be worked out for the special category states including Uttaranchal. इसी बात से हम पूछ रहे हैं कि special category states में tax incentives भी हैं, आज उसकी बात ही नहीं करते, आज बोलते हैं कि सिर्फ पैसे इतने आएंगे, आज बोलते हैं कि SPV से लो, आज बोलते हैं अभी तैयार है, क्या guideline बनाई है, किसने अप्रूव किया हरिबाबू जी को कि ऐसे SPV का पैसा अभी ले लो, आप बोलते हैं कि कल ले लो, किस तरह का मजाक है ये। अब अंदर पूछो तो कुछ और बोलते हैं, पूछो तो बोलते हैं कि SPV ऐसा बनाओ, लिमिट का कुछ बोलते नहीं है, FRBM का कुछ बोलते नहीं है। तो इस तरह से गलत तरीके से मिसलीड करना, इट इज नॉट गुड फॉर द हाउस एंड द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑल्सो मैडम। कपल ऑफ इश्यूज एंड आई विल कंक्लूड मैडम, एंड द अदर थिंग मैडम, when it comes to Visakhapatnam and Chennai industrial corridor, this is a very important point. When it comes to the Visakhapatnam's industrial corridor, they promised that they are going to give money. Abhi tak ek bhi paisa nahi mila madam, jabki Mumbai-Delhi corridor ke liye 17,500 crore diya gaya hai. Usi tarah petrochemical complex jo Andhra ke liye act ke tahat milna chahiye tha, usko abhi shuru bhi nahi kiya, balki GSPC jo Gujarat mein GSPC hai usko ONGC lene ke liye ek secure लेने के लिए उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए और उसका जो बोझ है वो 24,500 करोड़ का है। जब ONGC एक PSU इतना बड़ा बोझ उठा सकता है, तो वायबिलिटी गैप के लिए जो आंध्रा में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, क्या वो वायबिलिटी गैप नहीं दे सकता? कड़पा स्टील प्लांट की बात करो, उसका कोई और कारण निकाला जाता है, कोई भी हिस्सा। आज मैं साफ साफ बताना चाहता हूं मैडम, एक भी हिस्सा पूरी तरह से किया नहीं है। बार बार ऐसे मिसलीड करते हैं कि ये सब कर दिया, नहीं तो क्यों करते, हमारा कोई मजा है? 15 लोग हैं हमारे पार्टी में, 15 लोग ने मिलके आज अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, हमें नहीं पता था कि कांग्रेस हमारी सपोर्ट करेगी, हमें नहीं पता था कि ये सब हमारे साथ खड़े होंगे, पर हमने एक साहस किया था कि 15 लोग अगर यहां पे नहीं बात करेंगे तो कहां पे बात करेंगे, यही तो लोकतंत्र का मंदिर है, यही पे तो बना है ये बिल, यही पे तो एक्ट बना है। अगर यहां पे नहीं मिलेगा, अगर एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को आदर नहीं करते, उस व्यवस्था की आदर नहीं करते, तो कहां पे जाएं, कोर्ट के पास जाएं, उसी कोर्ट के बारे में तो हर बार यहां पे डिस्कशन चलता है। इसलिए मैं एक और बार मैं बताना चाहता हूं, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए हम लेके आए ताकि हम प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहते हैं कि आंध्र के बारे में उनकी सोच क्या है, उनकी राय क्या है, उन्होंने क्या किया। आज तक कभी भी इतने सारे फोरम में हमने बात की, अब इतने तरीके से हमने यहां पे पेशा है, हमें भी अच्छा नहीं लगा, फिर भी हमने यहां पे वेल में आके पेशा है मैडम, क्योंकि हमें समाधान नहीं मिल रहा था। इसलिए हम बाहर भी आए, संगठन के बाहर भी आए, हमारे मंत्री भी
इस्तीफा देके बाहर आके आज लड़ रहे, एक ही चीज के लिए, इसके राजनीतिक तौर से नजर से मत देखिए। आज हम इसलिए कर रहे बोल रहे हैं, नहीं बोल नहीं रहे, आप शुरू करो, उनका माइक बंद हो गया। मैडम हाउस ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है मैडम। क्या मैंने दो बार बोला उनको, ऑर्डर में नहीं है, बस हो गया। मैडम इधर देखिए, मैडम इनको देखिए, भगवान मान जी, मैं तो ऑर्डर आन जी, ऑर्डर क्यों हो गया। राम मोहन जी आपको बोला था मैंने, आपको सबसे ज्यादा समय दिया है, फिर भी 10 मिनट्स आयो क्यों? नो आई एम हाउस ऑर्डर में नहीं है, हाउस ऑर्डर में नहीं है, मैं क्या करूं, हाउस ऑर्डर में नहीं है यार। मैडम कंक्लूड विद इन 1 मिनट नाउ, कंक्लूड नाउ, यस राम मोहन जी कंक्लूड करो। मैडम उसी कंक्लूड करो, 1 मिनट में। मैडम 1 मिनट में कैसे, चलिए मैडम, एक मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है, मेट्रो रेल भी हमारे एक्ट में दिया हुआ है, आज तक एक पैसा नहीं है। मेट्रो रेल के लिए पॉलिसी बदलती है, केंद्र सरकार दबाव डालती है राष्ट्र सरकार और राज्य सरकार पे, उनको बोलते हैं कि हमारे पॉलिसी बदल गया, पैसे आप दो, और पहले से ही हम कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा डेफिसिट बजट स्टेट है, 16,000 करोड़ का नेगेटिव डेफिसिट चल रहा है, फिर भी आप मदद नहीं करते। क्यों इतना हम आक्रोश हो रहे हैं? क्योंकि आज भी अगर देखिए हमारे एडजेसेंट के जो स्टेट्स हैं, उसका नया तेलंगाना है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, सबका आप GDP देखिए, सबका पर कैपिटा इनकम देखिए, हमसे 30,000 आगे है, 5 साल के बाद देखिए, फिर भी उनका आगे रहेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए तो एक एक्ट बना है, उसमें ये सब चीजें बनी है, आप इसी चीजें जो इनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो 4 साल तक आप नहीं करेंगे तो कब हम आगे आएंगे? और एक बात मैं प्रधानमंत्री जी को भी याद दिलाना चाहता हूँ, ये सब चीजें ये नहीं बोल रहे मैडम, वो उन्होंने चुनाव के टाइम पे जब आंध्र आए थे, चुनाव के टाइम पे जब तिरुपति आए थे, गुंटूर आए थे, विशाखापट्टनम आए थे, उन्हीं के बातों में उन्होंने कहा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं 5 साल नहीं 10 साल दूंगा, और उन्होंने बोला था कि हम आपको नया राजधानी चाहिए, नया राजधानी तो हम ऐसा बनाएंगे, दिल्ली से शानदार बनाएंगे, पूरा देश गर्व होगा। और क्या उस और हमारी गलती है आज? मैडम एक मिनट मैम, एक मिनट के 2 मिनट हो गए तो उनका समय कटेगा आज के में। वी वांट टू बहुत यार, बहुत सॉरी यार।